मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू छोटे बुढ़िया, सारा प्यार बड़ों को पेरी पौना जी। गाइस बिल्कुल सारा काम खत्म, नहाना धोना हो गया और अब मैं कर रही हूँ गणपति जी की मॉर्निंग की आरती की तैयारी। और आज आरव भी स्कूल नहीं गया, ऑफ था तो वो भी साथ में आरती करेगा, बट अभी वो नहाया नहीं है तो मैं तैयारी शुरू करती हूँ। अगर तब तक नहा लिया तो आरती अटेंड करेगा, नहीं तो बाद में शाम की आरती पे आएगा। तो चलिए अभी गप्पे कम मारकर फटाफट करते हैं गणपति जी की आरती की तैयारी। देखिए आज हम पापा के लिए जो मोदक लेकर आए हैं वो ये है मोदक। आई थिंक ये नारियल के बने, अभी हमने टेस्ट तो किया नहीं इसलिए हमें पता नहीं है, लेकिन बिल्कुल वाइट नहीं चढ़ाना था इसलिए चॉकलेट मोदक लेकर आए हैं। तो इनके बहाने हमें भी बहुत कुछ खाने को मिल रहा है, हम डेली खा रहे हैं मोदक। और ये मैंने बनाया है पापा के लिए इतना बड़ा आलू का पराठा, और यहाँ पर है थोड़े से फ्रूट्स, वहाँ पड़े हैं बिस्किट्स। तो अब हम करते हैं गणपति पापा की आरती। इस गणपति जी की आरती हो गई, और गणपति जी कितने सुंदर लगते हैं ना, सच में नज़र उतारने का दिल करता है इनका। तो अब आरती हो गई है, पापा को भोग लगा दिया, मोदक हम भी खाएंगे, इनको जो नाश्ता देंगे वो हम भी खाएंगे। और शाम को बच्चों को आज क्या बांटना है प्रसाद में, पापा को क्या चढ़ाना है अभी डिसाइडेड नहीं है, तो जो भी डिसाइड होगा आपको बताया जाएगा। गाइस देखिए बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है, आंधी तूफान, मजा ही आ गया, हमें पता ही नहीं हम अंदर बैठे हुए हैं। ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है, अरे ध्यान से तो पानी लगे थोड़ी, जबरदस्त मौसम हो गया। और भले भले मैं और आरव अंदर नाश्ता कर रहे थे, एकदम से पानी की इतनी आवाज़ आई और बादल गरज रहे हैं, आंधी तूफान चल रहा है, मेरे कपड़े सारे जो बाहर सूखे थे सारे गीले हो गए, वो मैं अब अंदर रूम में डाल दूंगी फैन चला के, लेकिन मौसम बहुत ऑसम हो गया सीरियसली। गाइस दोनों को देखो, ये देखो ये रहा हमारा सैम, ये तो बारिश में नहा के आ रहा है, बारिश में नहा के आया, तो अभी नहा लेता, बारिश हो तो रही है, बढ़िया है, टेंट उखड़ गया देख लो। अच्छा ये देखो ब्रूनो को इसके पीछे पीछे। गाइस मैं आपको बताऊं, बादल ऐसे उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, ऐसे लहरें उड़ रही हैं, पानी की हवाएं ऐसी तेज हो रही हैं कि क्या ही कह रही है। बाप रे बाप, इतनी तेज बारिश, आज बस विसर्जन वाले दिन ना हो ऐसा हाल वाला, बड़ा मुश्किल हो जाएगा विसर्जन करना। गाइस देखिए मैंने यहाँ पर एक खेस बिछा दिया है क्योंकि बहुत गीला और किचकिच किचकिच हो रहा था, तो गंदे पैर सब अंदर जाते हैं, और ब्रूनो यहाँ पे आराम से खेल रहा है ये देखिए, तो अब ये साफ रहेगा और कोई भी गंदा गीला पैर अंदर नहीं आएगा। और ये धोने में रखा था इसलिए मैंने बिछा दिया, और आरव भी बाहर देखिए मजे ले रहा है बारिश के, ये देखिए आजा 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 आजा, नहीं अंदर नहीं कर रहे अंदर को, आजा 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 आरव के पास, आरव बुलाना आजा, ये भागा ये भागा, आजा। गाइस अभी मैं बना रही हूँ गणपति जी के लिए मैगी, लेकिन बिना प्याज व्याज के, और नॉर्मल मैगी, कोई और मैगी नहीं बना रही, क्योंकि मैगी के हम भी शौकीन हैं, हम भी खाते हैं, उनको भी खिलाएंगे। और मुझे ना बड़ी कंफ्यूजन हो रही है क्या शाम को पापा के लिए क्या मंगवाऊँ, और मुझे पता चला है कि उनको पान बड़ा पसंद है, तो पान भी ज़रूर है। अरब ले आएगा ना एक पान, छोड़ पान ले आएगा ना, हमारे घर के पास ही पान की दुकान है, एक मीठा पान भी उनके लिए मंगवाऊंगी, तो पान भी लाएंगे और पैटीज चलेंगी, दौड़ेंगी तो बस फाइनली। अब देखो पापा के लिए प्रसाद तो आना ही है ना, तो हम ज्यादा नहीं खाएंगे, हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे, लेकिन मोदक तो आई लव इट। गणपति जी ने हम सबको चटोरा कर दिया, क्योंकि उनके लिए आ रहा तो हम भी खा रहे हैं। तो अभी मैं फटाफट बनाती हूँ मैगी, बच्चे आने वाले हैं और उनको भोग लगाती हूँ। चले चल, कोई टिड नहीं निकल रहा मेरा, चल चल फिर तू आ जल्दी से, कह रहा है मम्मी का टिड निकल रहा है, यार अब खाऊंगी तो इतना टिड तो निकलना ही है, और चार चार घंटे बैठना पड़ता है, तो ऑब्वियसली चलिए मैं गप्पे कम करती हूँ फटाफट मैगी की तैयारी। गाइस ये देखिए गणपति जी के लिए बनाया है हमने मिक्स वेज मिक्स वेजिटेबल वाली मैगी, तो अभी हम उनको लगाएंगे भोग मैगी का, और शाम को पैटीज और पान। अभी ये शाम की आरती का टाइम बच्चों के साथ, और हमारे बच्चे बड़े नमूने हैं, क्या वो बातें बताऊंगी, और पापा के लिए पैटीज भी आ गई हैं, और उनका प्यारा पान जो वो मीठा पान खाते हैं वो भी ले आए हैं। चलिए आरती शुरू करते हैं। गाइज ये देखिए पापा के लिए पैटीज और ये पान लेकर आए हैं, मीठा पान उन्हें बहुत पसंद है, और यहाँ पर है फ्रूट, तो आज हम पापा को पैटीज और पान का भोग लगाएंगे। मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा।
हैं झील गुरुद्वारे मथा टेकने, और गुरुद्वारे से मथा टेक के हम फूलमाला लेंगे, सुबह के लिए मोदक लेंगे, तो आपको गुरुद्वारे के दर्शन कराते हैं। गाइस देखिए गुरुद्वारे में पाठ चल रहा है, कीर्तन चल रहा है और सेंसर्स गेट, तो अभी मैं जाती हूँ अंदर मथा टेकने। सतनाम शिवाय गुरु जी। गाइस अभी हम बाजार से घर पहुँच गए हैं, मोदक ले आए, माला ले आए, फूलमाला, दुब घास ले आए, तो मोदक कौन सा है वो तो कल ही दिखाएंगे, तो आपको ब्लॉग देखना पड़ेगा। और बहुत ही टेस्टी यम्मी वाला लाए हैं, उस फ्लेवर की हम आइसक्रीम भी बड़ी खुश होकर खाते हैं, तो आइसक्रीम फ्लेवर में हम मोदक लेकर आए हैं, बहुत टेस्टी यम्मी। और अभी मैं बनाने लगी हूँ चापें विदाउट अनियन विदाउट गार्लिक, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो चलिए मैं चापों को पहले थोड़ा सा छोटा छोटा काट रही हूँ, फिर उसको करूँगी हल्का और फिर बनाऊँगी। देखिए यहाँ पे देखिए चांपों को ना मैं ऐसे बीच में से हाफ करके ऐसे छोटा छोटा काट लेती हूँ, ताकि ये ज़्यादा हो जाती हैं और फिर खाई भी जाती हैं और अंदर तक ना मसाला रस जाता है। तो पहले मैं कट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। चांपे बना ली और आज चांपों को ना मैंने हल्का हल्का शैलो फ्राई कर लिया था, नहीं तो वो घुसी घुसी सी लगती है ना, घुसी घुसी जैसी। और अब है आटा गूंदने का टाइम, आटे में दूध ज़रूर डालते हैं। और मैंने चांपों में आज थोड़ी सी ग्रेवी करने के लिए दही डाली है, क्योंकि मुझे मसाला ना थोड़ा सा स्पाइसी लग रहा था उसका, मतलब मैंने टेस्ट नहीं किया, गणपति जी को भी भोग लगाना है, बट वो दिखने में स्पाइसी लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा दही डाल दिया। तो मैं आपको चापों की शक्ल दिखाती हूँ, फिर ब्लॉग एंड करती हूँ, फिर आटा गूंथती हूँ, फिर बुनों को खाना देती हूँ, पप्पा को भूख लगाती हूँ, फिर जब हमने खाना होगा हम तब खाएंगे और कपड़े धुलेंगे। सुबह बिल्कुल मन नहीं कर रहा इस टाइम मशीन लगाने का। तो चलिए देखिए हमारी घर की टेस्टी यम्मी दही में ये देखो आ गया फोन, पहले भी नहीं दिया मुझे जब मैं चापे बना रही थी और अब भी नहीं दिया। नहीं 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 अब भी नहीं दे रहा कि मेरा अब एक्सरसाइज का टाइम है, मैंने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई तो कर ली है। चलिए ये देखिए चापे, गाइस ये देखिए ये चापे मैंने दही में बनाई हैं, पानी नहीं डाला, और दही को मैंने मिक्सी में फेंट लिया था पहले पूरा, और चापों को शैलो फ्राई कर लिया था, बाकी तो वही चाप का मसाला जो होता है वो डाला है, और मसाले में बिल्कुल भी प्याज अदरक लहसुन कुछ नहीं डाला हुआ। तो बस ये है हमारा डिनर, मलाई चाप दही चाप। आज का ब्लॉग करती हूँ मैं आपके साथ यहीं पर, एंड मिलूंगी आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।